फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्किट ट्रेडर्स। जैसे कि आपको पता है कि हर रोज मैं निफ्टी के ऊपर ट्रेडिंग का एक सही लेवल आपको प्रेडिक्शन करने का कोशिश करता हूं, तो आज का इस वीडियो के माध्यम से भी हम शॉर्टली जानेंगे कल के लिए ट्रेडिंग का लेवल कौन से लेवल पे किसके ऊपर हमें कॉल साइड या बाइंग पुट साइड रहना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे निफ्टी का वन डे का चार्ट ओपन किया हूँ। एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ कि इन दिनों में मैं थोड़ी सी बिजी रहूँगा, ओके, तो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा टाइम शायद मैं मार्केट में नहीं रहूँगा, लेकिन मैं दिन का अंत में आपको नेक्स्ट डे का प्रिडिक्शन जरूर बताऊंगा एंड मार्केट आवर्स में 9 से 10 बजे तक मैं आपके साथ जरूर एक्टिव रहूँगा। ओके, फर्स्ट लर्न देन अर्न, ये हमारा मोटो है। नेक्स्ट क्लास है 16th अक्टूबर। ओके, 16th अक्टूबर से क्लास शुरू हो रहा है। जिन लोग पहले से सीट बुक कर रखे हैं उनको डेली हम कॉल प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्त, निफ्टी का जो चार्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑन डे का चार्ट है। ऑन डे के चार्ट में एक अच्छी खासी बुलिशनेस, जो मैं कल का दिन में आपको कहा था। आई डोंट नो कि दूसरा चैनल आपको क्या कहा है। ओके, ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, मार्केट में गिरावट आ रहा है, लेकिन मैं जो चीज देख पा रहा हूँ, जो इंडियन मार्केट को इतनी आसानी से गिरावट नहीं आ रहा है, और मैं इसी का इशारा मैं कल आप लोगों को बताया था। ओके, अब इसे कैसे आपको पता चलेगा कि इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रांग है? अब देखेंगे आईपीओ, ह्यूज आईपीओ आ रहा है, और शायद आपको यह भी पता चल गया होगा कि अक्टूबर महीने में 80,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है। 80,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है, जिसके अंदर आपको है पेटीएम का आईपीओ आने वाला है, एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, पॉलीकॉम का आईपीओ आने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। तो जो आईपीओ आ रहा है इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा है, प्लस गवर्नमेंट कंपनी के साथ साथ दे रहा है, जिसके वजह से हम अभी ग्लोबल मार्केट डाउन हो रहा है लेकिन इंडियन मार्केट उतनी ज़्यादा डाउन नहीं हो पा रहा है। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, अगर किसी वजह से मार्केट डाउन ओपन होता है तो सपोर्ट लेवल रहेगा आपको, ये क्या लेवल है 17,725 से लेके 17,750। अगर ये लेवल आपको मिल जाता है तो ये लेवल आपको बाइंग के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो आप इस लेवल के पास एक कंफर्मेशन कैंडल, ध्यान दीजिएगा, एक कंफर्मेशन कैंडल मिले तभी बाइंग कीजिएगा। अदरवाइज अगर गैप अप होगा, क्या गैप अप होने का बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अगर गैप अप फिर से होता है तो आपको केयरफुल रहना है 17,930 के अराउंड। ओके, मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली मैं आपको लेवल बताने का कोशिश करूँगा कौन सी लेवल कल के लिए रेसिस्टेंस बन सकता है। तो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जो प्रीवियस हाई है निफ्टी का, इस हाई को एक बार जरूर आपको रेसिस्टेंस फेस करना है। ठीक है, इस हाई को एक बार जरूर रेसिस्टेंस फेस करना है। जब इस हाई के ऊपर चलना शुरू होगा, यानी कि 17,950 को क्रॉस करने के बाद मार्केट 18,000 को चार्ज कर सकता है इन शॉर्ट टर्म के अंदर। मैं आपको कल भी बताया था आईटी सेक्टर, जैसे आईटी सेक्टर साथ देगा, और आज भी मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपको ये प्रोवाइड किया था कि आईटी सेक्टर में एक सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। अगर आईटी सेक्टर सपोर्ट ले लिया है तो आपको निफ्टी का पॉजिटिवनेस आ जाएगा। एक मैं सुबह का सेशन पे पुट दिया था, पुट देने के बाद स्टॉप लॉस जैसे हुआ था तो मैं आपको डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट क्या है, सपोर्ट ले सकता है। अगर आईटी सेक्टर को एक सपोर्टिंग लेवल मुझे दिखाई दे रहा है, ये मैं यहाँ पे वॉइस मैसेज के साथ समझाया था, है ना। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप इसे जुड़ सकते हैं। इंटरटेक के अंदर जितने भी मैं कॉल दिया, हर एक कॉल आपको 100% एक्यूरेसी मिला, 100%। बैंक निफ्टी ओपन होने से पहले ही आपको लेवल दे दिया कि इस लेवल पे 37,700 कॉल को बाइंग कर लेना। सॉरी, शायद उस टाइम पे मैं 37,500 का कॉल दिया था और मार्केट ओपन होने से पहले ही आपको ये दे दिया था 9:14:30 के अंदर। ओके, तो ये एक्यूरेसी जब तक ना टेक्निकल आपको स्ट्रांग आएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा। तो आई थिंक आपको निफ्टी का लेवल समझ में आ गया है। अब आता है बैंक निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी के लिए कल का जो लेवल रहेगा वो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस जो फेस हो सकता है वो आपको एक रेजिस्टेंस जो मैं देख पा रहा हूँ 37,850 मतलब जहां पे क्लोजिंग हुआ है इसे 100 पॉइंट ऊपर अगर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है तो यहां से फिर से मार्केट में पॉजिटिवनेस आ सकता है और 38,000 के लेवल को आराम से अचीव कर सकता है, बहुत आराम से अचीव कर सकता है। यहां पे अगर सुबह के सेशन पे क्या थोड़ा डाउन आएगा, यहां को थोड़ा अप जाएगा, अगर मार्केट थोड़ी बहुत डाउन होता है तो कहां पे आपको बाइंग के लिए बढ़िया मौका रहेगा, वो रहेगा आपको नियर अबाउट 37,500। मैं आपको हर रोज बताने का कोशिश करता हूँ जो 5,500 का पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर होता है ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है। तो कल के लिए भी मैं बताऊंगा 37,500 इतना नीचे तो शायद नहीं आएगा, अगर आता भी है तो आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन कैंडल के साथ आपने बाइंग करना चाहिए, एक कंफर्मेशन कैंडल के साथ आपको बाइंग करना चाहिए। ओके, तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए। एंड अगर गैप अप ओपन होता है
तो गैप अप ओपन में आपको किस लेवल के ऊपर बाइंग करना चाहिए? तो गैप अप ओपन में जो आज का जो लास्ट टाइम का जो हाई बनाया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम का जो हाई बनाया 37,800 इस लेवल के ऊपर, इसके ऊपर बाइंग एंट्री बनाएगा। समझ में आ रहा है किस लेवल पर आपको बाइंग करना है, बॉटम लेवल क्या होना चाहिए, सपोर्ट लेवल क्या होना चाहिए एंड रेसिस्टेंस लेवल। अब जो हमारा टुमारो निफ्टी प्रेडिक्शन चैनल है, आई होप कि सभी लोग वहां पे जुड़े हैं। कल भी मैं आपको निफ्टी का लेवल बताया था ऑप्शन के ऊपर, कौन सी ऑप्शन पे हमें ट्रेडिंग करना है, कितने का टारगेट लगाना है। आज भी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर उस वीडियो को पोस्ट करूंगा स्टॉक के लिए। आज सुबह भी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट किया था जो कौन से स्टॉक आपको बेटर बन सकता है कल के लिए। सुबह में ही आपको मैं यहाँ पे चार स्टॉक का नाम लिख के दिया था, आई थिंक आपने इसे वॉच किए थे, 1, 2, 3, 4, 5 चारों स्टॉक का अंदर बहुत शानदार तेजी दिखाई दिया। तो आई होप आप अगर इंट्राडे ट्रेडर्स है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर एक्सेस करेंगे। मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, ऑप्शन चेन को मैं अभी तक देखा भी नहीं हूँ, लेकिन ग्लोबल मार्केट से जो संकेत निकल के आएगा, थोड़ी बहुत ओपनिंग मॉर्निंग का ओपनिंग उसके ऊपर जाकर डिपेंड होगा, और उसके बाद आपको इंडियन मार्केट का जो चाल है वो चाल पे मार्केट आ जाएगा। तो आईटी सेक्टर कंटिन्यू स्ट्रांग बन रहा है, और यहाँ पे ऑप्शन चेन जो आपको दिखा रहा है, ऑप्शन चेन फिलहाल तक आपको 17,800 का सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड रेसिस्टेंस जा रहा है 18,000 पे, जो मैं दो दिन पहले से ही आपको कह रहा हूँ कि अगर 18,000 पहुंच जाता है तो आपको कोई अचंभित नहीं होना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी काम आ रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे, और यही एनालिसिस खुद से अगर करना है तो आपको सीक्रेट स्ट्रेटजीज को स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आप हमारा ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जो इस नंबर से संपर्क करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।